प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से अब ड्रीम्स एक ऐसा ड्रीम्स होना, मतलब ड्रीम्स है एक ऐसा व्यवसाय जिसे करने के लिए एक बड़ा सा सपना होनी चाहिए, जैसे रुपया, सपनों का घर, लग्जरी कार, विदेश यात्रा, समय की आजादी, मान सम्मान और अच्छी सेहत। अगर आपके पास बहुत बड़ा सपना है तो आपको पूरा करने के लिए बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, आपके पास जुनून होनी चाहिए, जोश होनी चाहिए सीखने के लिए। लेकिन बेसिक चीज जो है वो है पैसा। पैसा आता कहाँ से है? तो वो है चार रास्ते। तो ये मैं नहीं कह रही हूँ, एक लेखक और बिजनेसमैन जो है रॉबर्ट कियोसाकी जी का कहना है कि इनके जो है बहुत सारी किताबें जो है जो वर्ल्ड में ज्यादा से ज्यादा पढ़ी जाती है। तो रॉबर्ट कियोसाकी जी का कहना है कि पैसे कमाने के चार रास्ते होते हैं। तो पहला है ई एक्टिव में आता है ई और एस, और दूसरा इनकम है पैसे, पैसे में बी और आई। तो एक्टिव में आता है ई से, तो ई से होता है इम्प्लॉय। इम्प्लॉय वो होते हैं जो जॉब करते हैं और अपने 300 दिन के समय को बेचकर 8 घंटे काम करते हैं तो मालिक के सपनों को पूरा करते हैं, तो जिसके बदले वहां से उनको सैलरी मिलती है। और कोई कारणवश वो एक दिन भी नहीं जा पाते हैं, बीमार पड़ गए, कुछ कारणवश नहीं जाते हैं, तो क्या होता है, सैलरी काट ली जाती है। और दूसरा आता है एस, एस से सेल्फ एम्प्लॉय। वो होते हैं जो अपना काम करते हैं, जैसे कोई चीज का दुकान हो, जैसे सुबह का दुकान का शटर उठाते हैं और शाम को बंद करते हैं तो पैसा आता है, वरना नहीं आता है। जैसे चाय वाले हो गए, सब्जी वाले हो गए, वकील या अपना ऑटो चलाने वाले ही हो गए। तो ये सब क्या है, अगर दुकान वाले शटर दुकान को उठाएंगे, शाम को बंद करेंगे तो पैसा आएगा, वरना नहीं आएगा। ऑटो वाले अगर नहीं चलाने जाएंगे तो पैसा नहीं आएगा। तो ये है ई और एस, एक्टिव वर्ग में आते हैं। तो यहाँ पे काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, यानी एक्टिव रहेंगे तो पैसा आएगा वरना नहीं आएगा। और इसमें जो है 95% लोग जो है काम करते हैं, और लेकिन पैसा जो है 5% है इसमें। दूसरा आता है पैसिव इन, पैसिव इनकम में आता है बी आई। बी से होता है बिग बिजनेसमैन, जो ये होते हैं जहाँ पे एक इंसान के पास लाखों रुपए होते हैं तो वो लाखों रुपए लगाकर एक फर्म बनाते हैं जिसके साथ हजारों लोग काम करते हैं और इनकम कमाते हैं, जैसे मुकेश अंबानी हो गए, टाटा अडानी, इन्होंने लोगों बनाया और कुछ सालों बाद करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। और आई से हो गया इन्वेस्टर, इन्वेस्टर वे होते हैं जहाँ एक व्यक्ति के पास करोड़ों रुपया होता है, वो इन्वेस्ट करते हैं, जैसे रुपया ही इसमें इन्वेस्ट कर दिए, किसी बिल्डर में, जमीन में पैसा कर दिए और रुपया से कमाते हैं। तो या बी और आई पैसिव इनकम है। तो पैसिव इनकम में जो है 5% लोग रहते हैं और पैसा जो है 95% पैसा है इसमें। तो हम चाहेंगे एक्टिव इनकम में और पैना, तो हम स्वाभाविक है जो पैसिव इनकम पसंद करेंगे करना। अब आता है चलिए इस स्लाइड पे हम बात करते हैं। तो वर्ल्ड के जो है 1960 से 70 के दशक में अमेरिका के सबसे अमीर इंसान जे पॉल गेटी जी, इन्होंने बताया सफलता के सूत्र जो अमीर बनने में मदद करता है। इन्होंने बताया कि यदि अगर हमें अमीर बनना है तो हमें 3 काम करना पड़ेगा। पहला काम है खुद का बिजनेस, दूसरा है बिजनेस किस चीज का करेंगे तो FMCG। फर्स्ट मतलब ये है जो यदि जैसे रोजमर्रा जिंदगी में प्रयोग होने वाले सामान जैसे चावल, दाल, आटा, नमक, ये सब है, ये सब का बिजनेस करना। तो तीसरा क्या है, जो हमें 1% काम 100 लोगों से लेना है, वरना लेना पड़ेगा, मतलब 100% काम एक लोगों से नहीं कराना है, 1% का काम 100 लोगों से कराना होगा। और इन्होंने भी 2 सिद्धांत बताए, जो पहला है हायर पीपल, यानी लोगों को हायर कीजिए और सैलरी दीजिए। ये ट्रेडिशनल मार्केट है, यहाँ पे रिस्क बहुत है,
कंपटीशन है, काम चले या ना चले लोगों को सैलरी देनी होगी। और इस तरह के बिजनेस पहले ही साल क्या हो जाता है 25% बिजनेस बंद हो जाती है। और ग्राफ में भी आप देख ही रहे होंगे क्या, जो ये देख रहे हैं जो दूसरे साल 36% लोग मतलब बिजनेस बंद हो जाते हैं, दसवें साल में लगभग 71% जो है बिजनेस बंद हो जाते हैं। और दूसरा रास्ता है लर्न नेटवर्किंग। यहाँ पर हमें क्या करना होता है, लोगों को हायर करके उन्हें सीखना होता है, उन्हें लीडर बनाना होता है। ये सभी लीडर मिलकर लीडरों के काम का मतलब जाल तैयार करते हैं, यानी लीडर के नेटवर्क तैयार करते हैं जहां से ज्यादा बिजनेस वैल्यू जनरेट होता है और बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा इनकम भी आता है। तो जो होता है ये होता है डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कहा गया है ए विंडो टू ए कैरियर, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग में युवाओं के लिए भविष्य का एक सुनहरा अवसर माना गया है। इसके अलावा FICCI, फिक्की और KPMG जो भारत के अर्थव्यवस्था के डेवलपमेंट के लिए गणना करती है, इन्होंने बताया 2025 तक यह इंडस्ट्री 64,500 करोड़ रेवेन्यू भारत को देगा, जिसमें 2 करोड़ डायरेक्ट सेलर होंगे, जिसमें 60% महिलाएं होंगे। तो कामयाबी के लिए नेटवर्किंग करना जरूरी है। और ये चलते हैं और जानते हैं कि वर्ल्ड के कुछ हस्ती के बारे में जिनके डायरेक्ट मार्केटिंग के बारे में क्या राय है। तो सबसे पहले बिल गेट, इनका मानना है कि दूसरा अगर दोबारा हमें जीरो कर दिया जाए और दोबारा मौका मिले तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को ही पसंद करूंगा करना। और दूसरे आते हैं वॉरेन बफेट, ये भी एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है। इनका भी मानना है कि मुझे भी अगर दोबारा मौका मिला इन्वेस्ट करने के लिए मौका मिलेगा तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग में ही इन्वेस्ट करूंगा। और ये जो ट्रम्प और जिम रॉन जैसे बिजनेसमैन जो है तो उनका भी कुछ राय इसी तरह है, जो मेरा मुझे भी दोबारा मौका मिला तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग में ही करूंगा। अब आते हैं कि हमारे भारत के डायरेक्ट मार्केटिंग के बारे में क्या राय है। तो प्रधानमंत्री जी जो है श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात में कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का व्यापार है जो भारत की अर्थव्यवस्था को बदल सकती है। उसी प्रकार अब्दुल कलाम जी का भी कहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का फास्ट ग्रोइंग बिजनेस है जिसे हर युवाओं को करना चाहिए। अब आता है दोस्तों, मैं बता दूं दोस्तों, हम जो प्रोडक्ट को आप लोग जो प्रोडक्ट को यूज करते हैं उसे हम घर में तो नहीं बनाते हैं, कहीं ना कहीं से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से होता हुआ CNFF एजेंट होलसेलर रिटेलर से होता हुआ हम तक पहुंचता है, जिसे ट्रेडिशनल मार्केट कहते हैं। यहाँ प्रोडक्ट का लागत 30 रुपया का होता है और हमारे पास आते आते 100 रुपया का हो जाता है। तो ये बीच के जो है 60 से 70 रुपया बिचौलिए तथा प्रचार में खर्च हो जाते हैं, जिसे हम कस्टमर के लिए कस्टमर से ही लिए जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना, इसीलिए कस्टमर को कष्ट से लिखा मरना लिखा होता है, दुकानदार अमीर हो जाते हैं और कस्टमर गरीबी रह जाते हैं। और दूसरा आता है डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अब आता है हमारी कंपनी विश यू वेल्थ, वेस्टीज, हमारी कंपनी का नाम वेस्टीज है, विश यू वेल्थ जो कि टैग लाइन है हमारी कंपनी का। यहाँ पर वेल्थ की स्पेलिंग थोड़ी अलग सी है, जिसका मतलब है वेलनेस प्लस हेल्थ, यानी स्वास्थ्य के साथ साथ पैसा। और नीचे जो देख रहे हैं टैग लाइन है इन योर सक्सेस लाइव आवर सक्सेस, आपकी सफलता में हमारी सफलता है। जी हाँ दोस्तों, एक महान सोच है हमारी कंपनी का जो कहती है आपकी सफलता में हमारी सफलता है। और मैं बता दूं गौतम बाली सर जी जो है जो अपने दो दीपक सूद सर के साथ शुरू किए थे वेस्टीज का शुरुआत 2 जून 2004 को दो ऑफिस दिल्ली और
बेंगलोर के साथ हुई थी। आज कंपनी 50 से भी ज्यादा ब्रांच ऑफिस और 500 से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर है। भारत की नंबर वन मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है, जो आज भारत के अलावा बहुत जगह है, बहरीन है, नेपाल है, यूएई है, यूएई, सऊदी अरब, 7-10 देशों में जा चुकी है और 2025 तक 500 देशों में लक्ष्य है जाने का। दोस्तों, तो हमारे ये तीनों डायरेक्टर के पास इस फील्ड का 55 सालों का अनुभव है, जो कि हमारे ये विकास तथा कंपनी को बेहतर बनाने के लिए काफी है। और बता दूं दोस्तों, वेस्टीज का जो है 2004 में शुरुआत हुई थी, उस साल के टर्नओवर 5 करोड़ थी, जो बढ़कर हुआ 2018 में 1897 करोड़ का हो गया है। तो दोस्तों, इसका एवरेज जो है ग्रोथ 79% से भारत में 16 साल से सक्सेसफुली काम कर रही है। तो वेस्टीज जो है भारत के नंबर वन कंपनी ग्रोथ से, मतलब ग्रोथ के रेट के ही कारण मिली है। और इसके कारण जो आज जो है वर्ल्ड में 100 में से 30वीं स्थान पर पहुंच चुकी है और आने वाले समय में एक से लेकर 10वीं स्थान में आने के लिए प्रेरित की गई है। और 2021 में जो आप समझ सकते हैं, 2021 में 7वें पायदान पे आ चुकी है। तो इसका ज्यादा ग्रो करने के लिए क्या कारण हो सकती है? तो इसका कारण है प्रोडक्ट है। देख रहे हैं, ये सुबह से लेके गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक जितने भी प्रोडक्ट यूज करने के लिए होते हैं, सारे हैं प्रोडक्ट। हेल्थ केयर है, ओरल केयर है, आयुषांते है, ट्रूमैन है, पर्सनल केयर है, बहुत सारे जो है सुबह से लेके रात तक का यूज करने के लिए इसमें सारे प्रोडक्ट है। और बेस्ट डील पे भी काम करती है हमारी कंपनी। ये जैसे देख रहे हैं, एक ऑफर है, कंसिस्टेंसी ऑफर है, जो 3500 के सामान अगर 6 महीने हम कंटिन्यू लेते हैं तो 7वें महीने में जाके हमें 3500 के सामान फ्री मिलती है। अब आते हैं कंज्यूमर बेनिफिट। इसमें है जो 10 से लेके 20% डिस्काउंट एमआरपी रेट पे रहता है, उसमें 10 से 20% हमें डिस्काउंट मिलते हैं। और 10% जो है प्रोडक्ट पर रिपर्चेज करते हैं उस पर फ्री मिलता है। और 5 से 11% पे हमें कैशबैक आती है। और ये हमें अगर 4 महीने कंटिन्यू प्रोडक्ट लेते हैं तो 5वें महीने में जाके हमें 2500 का सामान फ्री मिलता है। यह है वेस्टीज मार्केटिंग प्लान। इसमें जो कोई इन्वेस्ट नहीं करना है। और इसमें जो है 10 तरह के इनकम है। ये 10 तरह के इनकम जो है, जो मैं आगे जाके मैं डिटेल में बताऊंगी। और सेविंग ऑफ कश्मीर, इसमें हम सेविंग कैसे करते हैं। जैसे कोई 120 रुपया एमआरपी रेट पे है, 120 रुपया है, और जैसे ही हम डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो उसका प्राइस हो जाता है 100 रुपया। तो क्या हुआ, 20 रुपया सेविंग हो गया। अब यहाँ जैसे ये है परफॉर्मेंस बोनस है, तो ये जुड़ता हुआ बिजनेस है। जिसे हम लोग जानते हैं जुड़ता हुआ बिजनेस है, तो हमें कुछ पॉइंट वैल्यू मिलता है। तो इसमें 1 से लेके 599 पीवी होता है तो हमें 5% पे रहते हैं। जैसे ही मेरा पीवी 600+ हो जाता है तो हम 8% पे हो जाते हैं। उसी प्रकार 2400+ हो जाता है तो हम 10% पे हो जाते हैं। और पीवी जुड़ते जुड़ते जैसे ही मेरा 5500+ हो जाता है आपका, तो आप 11% पे हो जाते हैं। तो उसका इतना परसेंट पे आपका परफॉर्मेंस बोनस कितना आएगा? तो जैसे आप फर्स्ट एक मंथ में अगर 200 पीवी करते हैं, 200 पीवी करते हैं तो आप 5% पे रहे होते हैं। तो 5% पे आपका परफॉर्मेंस बोनस जो होता है 180 रुपया आता है। और जानते हैं आप जुड़ता हुआ ही बिजनेस है, तो दूसरे महीने में अगर 500 का बिजनेस होता है, 500 पीवी होता है मेरा, आपका 500 पीवी हुआ, तो जैसे कि जुड़ता हुआ है तो ये 500 पिछले महीने का 200, यानी 700 पीवी हो गया, तो आप 8% पे हो गए। तो बोनस जो है 8% के हिसाब से मिलेगा आपको, होगा 720 रुपया। तो उसी प्रकार है ये, जैसे जुड़ता हुआ है तो बोनस जो उसी प्रकार मिलता है। और फास्ट बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए भी ऑफर है। जैसे आप
एक ही महीने में अगर 282 पीवी कर लेते हैं तो आपको 8% का लेवल मिल जाता है। उसी प्रकार जो है आप एक ही महीने में खुद से या किसी डाउनलाइन से अगर 45 पीवी कर लेते हैं तो आप 11% पे आ जाते हैं, यानी ब्रांच डायरेक्टर बन जाते हैं। अब आता है ब्रांड बिल्डिंग बोनस। इसमें जो है आप जैसे ही ब्रांड डायरेक्टर बनते हैं और 2001 पीवी मेंटेन करते हैं तो आपको कंपनी अपने टर्नओवर में से 4% आपको महीने देती है, पर मंथ देती है। बिजनेस बिल्डिंग बोनस इसमें है सिल्वर डायरेक्टर एंड एबव। सिल्वर डायरेक्टर एंड एबव, जैसे आप सिल्वर डायरेक्टर बनते हैं तो आपको क्या करती है कंपनी अपने टर्नओवर में से लेके आपको 14% जो है बिजनेस बिल्डिंग बोनस देती है। अब आता है टीम बिल्डिंग बोनस। टीम बिल्डिंग बोनस जैसे है आप ब्राउन डायरेक्टर या सिल्वर डायरेक्टर होते हैं तो उस महीने आपको 2000 पीवी ना करके 2600 पीवी करते हैं तो आपको ये 2% जो है बिल्डिंग बोनस, टीम बिल्डिंग बोनस मिलती है आप 2% महीने का। अब आता है लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। ये होता है एलओबी, ये बिजनेस का जो इनकम है सबसे बड़ा इनकम है, तो आपको जो है तब मिलेगी जब अपने टीम के एक लीडर को, जिसे आप एक लीडर बनाते हैं तैयार करते हैं और वहां से आपको बड़ा बिजनेस करते हैं, बड़ा बिजनेस करते हैं तब आपको ये बिजनेस में ये बोनस इनकम आता है, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस यानी एलओबी मिलता है। और पहले था ये 16% था पर अब 17% हो गया है आपको। ट्रेवल फंड, जैसे ही आप गोल्ड डायरेक्टर एंड एबव होते हैं तो गोल्ड डायरेक्टर एंड एबव होते हैं तो आप कंपनी क्या करती है अपने टर्नओवर में से 3% आपको देती है और एक साल में 2 बार घुमाने का, जैसे एशिया और यूरोप घुमाने का, घूमने का भी मौका मिलता है। और बता दूं पिछले साल का है जो यहाँ ये सब घुमाने का जो है, ये लंदन है, दुबई है, ये सब देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यहाँ सब घूमने का मौका मिलता है ट्रेवल फंड से। अब ये अवेवेस्टी ट्रेवल फंड, यहाँ से आप देख रहे हैं जो ये सर जो है मेरे अपलाइन लोग जो है यहाँ से घूम के आ चुके हैं, जैसे देखिए साहिल सर है, प्रीमा सिंह है, बहुत सारे है, कृष्ण मोहन सर है, ये सब जो है वहां से ट्रेवल फंड से घूम के आ चुके हैं। अब आती है कार फंड। कार फंड हमें तब मिलती है जब हम स्टार डायरेक्टर बनते हैं, जैसे तीन डायरेक्टर मेंटेन करते हैं, यानी तीन महीने अगर आप स्टार लेवल को मेंटेन करते हैं लगातार तो ये कंपनी अपने टर्नओवर में से 5% आपको देती है जो कार फंड है। और मैक्सिमम जो है 80% जो है 80,000 जो है महीने का होता है। और देख रहे हैं यहाँ 4,000 से भी ज्यादा लोग जो है ये कार के नीचे देख रहे हैं, कर ले चुके हैं, इनके मालिक खड़े हैं। कार था जो अब देखिए ये जो है लग्जरी कार है, वो सिंपल कार था, ये लग्जरी कार है। लग्जरी कार में जो है भारत के यूथ आइकन जो है शिवम गोस्वामी जी का है, एक जो है स्टूडेंट थे, 25 वर्ष की उम्र में 11 लाख रुपया कमाते हुए लग्जरी कार है। बता दू एक आदमी जो है जो मोहम्मद मोहिन खान जी जो है लगभग 8 लाख से भी ज्यादा महीने का कमा रहे हैं। और नीचे जो है बता रहे हैं उनका कहना है, और ये उनका कहना है जो गलती दुष्यंत खन्ना जी का कहना है कि जो गलती से भी वेस्टेज कर मत कर लेना वरना 26 के उम्र में BMW कार आ जाएगी। और उस सब जो है
इसमें जो है ना उम्र देखा जाता है ना कुछ कितने पढ़े हैं। तो इस बिजनेस में जो है आपका उम्र धर्म क्या कौन धर्म है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, वो कोई मायने नहीं रहता है। जो आपको सफलता में बाधा हो सकते हैं, आप किसी भी कभी भी किसी भी उम्र में इस बिजनेस को कर सकते हैं। और आता है ये हाउस फंड। हाउस फंड होता है जो जैसे आप छह जो डायरेक्टर बनाते हैं अलग अलग लीग से, छह डायरेक्टर अलग अलग लीग से बना देते हैं, तब आपको ये हाउस फंड मिलता है। वो 3% होती है। इसमें देख रहे हैं 15 से भी ज्यादा ये घर हाउस फंड से घर ले चुके हैं लोगों ने। अब आता है दसवां इनकम लीड क्लब बोनस। ये दसवां इनकम जो है, अगर आपके नीचे 12 डायरेक्टर क्वालिफाई करते हैं तो आपका क्या लेवल हो जाता है, यूसीडी का लेवल हो जाता है। और अगर आप 16 डायरेक्टर को बनाते हैं, क्वालिफाई कराते हैं, तो DUCD का लेवल हो जाता है। तब कंपनी अपने टर्नओवर में से LED क्लब बोनस देती है, जो है वो 2% है, यानी क्या 20 लाख रुपए लगभग होती है जो पर मंथ। और 10 इनकम जो है, ये इसके लिए हमें क्या करना होता है, 7 काम करना होता है। पहला है सभी प्रोडक्ट को प्रयोग करना, उपयोग करना। पहले हमें सारे प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना होगा, तभी तो जानेंगे क्या जो हाँ प्रोडक्ट कैसा है नहीं है। विश्वास बनेगा, विश्वास बनेगा तो क्या, दूसरा है लोगों से चर्चा। विश्वास बनेगा तो हम लोगों से चर्चा करेंगे कि ये प्रोडक्ट इस तरह है, इसे फायदेमंद है। तीसरा काम है लिस्ट बनाना। तो किस पे चर्चा करना है हमें, तो लिस्ट बनाना पड़ेगा उसके लिए, तो हमें लिस्ट बनाने बनाएंगे। तो जब लिस्ट बन जाएगा तो चौथा काम है लोगों को आमंत्रित करना। तो लिस्ट में से एक एक करके हमें आमंत्रित करना होगा, तो आमंत्रित करेंगे। पांचवा काम है प्लान शो करना, यानी जब आमंत्रित करेंगे, इनवाइट करेंगे, तो उसे हमें प्लान शो करना होगा, प्लान दिखाना पड़ेगा। हम अपने हमारे बिजनेस के बारे में क्या है, प्रोडक्ट है, तीनों पार्ट को प्लान शो करना पड़ेगा। तो प्लान शो कर देंगे। तो छठा काम है टीम वर्क। जब हमारे पास साथ आ जाएंगी अब आता है, अब जो आप अब तक जो आप देखे सुने वो था। अब जो आप मैं इनकम के बात करूं, तो ये जो है इनकम जो है कैसे कितना क्या पीवी होगा, तो आपको कितना इनकम आएगा, तो आप ध्यान से सुनेंगे। इफेक्टिव इनकम यानी जैसे आप है अगर जैसे आपके रोज के जरूरतों के सामान जो आते हैं, जो हमेशा यूज होने वाले हैं, रोज की जरूरतें हैं, वो आप अगर ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, 110 PV का अगर आप खरीद रहे हैं एक महीने में, तो उस महीने का आप कैशबैक जो है 100 रुपया का कैशबैक आएगा आपका। तो आप जो है अपने ही जैसे अगर 6 लोग को लाते हैं एक ही महीने में, 6 लोग को लाते हैं, तो आपका जो है 6-6 लोग अपना 1-1 10 का अपने जरूरत का ही सामान 110 PV करते हैं, तो उस महीने आपका जो इनकम आता है 450 रुपया कैश बैक आएगा। जी हाँ, और 1000 का जो है प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। तो लोग भी को लाएगा अपने उनके अपने जरूरत का सामान लेके लेते हुए 110 PV का, तो 36 लोग हो जाते हैं। तो 36 लोग जब हो जाएंगे तो आपका उस महीने का 25,000 पर मंथ आएगा इनकम। जब 36 लोगों ने अपने 6-6 लोगों को बताया जो अपने जरूरत का सामान लो 110 PV का करते हैं, तो उस टीम का जो जाता है 216 लोग। तो 216 लोग जब हो जाता है, तो उस महीने आपका जो इनकम आता है, जी हाँ दोस्तों, 2,50,000 इनकम आएगा। और 216 लोग भी अपने 6-6 लोगों को बताते हैं कि हाँ तुम अपने जरूरत का ही सामान लो 110 PV का देते हैं, तो आपका जिम चार्ज हो जाता है 1,286। तो उसमें आपका इनकम जो होता है 5 लाख। जी हाँ दोस्तों, 5 लाख पर मंथ इनकम आपका आएगा। और
इनकम का मैं बात करूँ, इनकम का तो इनकम का जो है, जैसे आप देख रहे हैं बहुत जो मेरे लीडर लोग अपलायन लोग हैं उनका जो है चेक दिखाया गया है, तो इन इनमें से मैं एक दो को बताता हूँ। वेस्टीज के जो है सबसे बड़े अर्नर जो है सिद्धांत सर जो है और चंचल मैम है, इनके महीने का इनकम जो है 1,18,55,404 रुपया है। इसके अलावा मैं क्या बताऊं, धर्मेंद्र मान सर जो है इनकी भी है जो दोस्तों 12,10,748 रुपया है। ये दोस्तों जब ये सारे इनकम जो है लॉकडाउन के समय का है इनकम। और मैं बता दूं ये जो है यहाँ पर भी है कुछ युवाएं हैं, तरुण कनुजिया सर है जिनकी इनकम 3,05,023 रुपया है। और मैं बता दूं इसमें सिंह भी है, इनका इनकम भी है 2,37,780 रुपया। तो बता दूं योर सर्च इंड हेयर, अगर आपका भी इस तरह के बिजनेस की खोज में है तो आपका खोज यहीं पर समाप्त होता है। आपका ये बिजनेस, यह बिजनेस आपके लिए ही है। थैंक यू सो मच। और आप ये जो यहाँ से जो जो ट्रेवल फंड हाउस फंड जो भी यूज मतलब ले रहे हैं उनसे आप मिलने का मौका मिलेगा। मैं माइक हैंड ओवर करने जा रही हूँ।